ओके सर अच्छी बोल बैक अगेन विद न्यू वीडियो। ओके सो आज का व्लॉग पूरा बेस्ड होने वाला है मेरी CVR 150R के ऊपर। सो बेसिकली आज हम मेरी गाड़ी में मेरा फर्स्ट मॉड करने वाले, गाड़ी का फर्स्ट मॉड करने वाले। बेसिकली आज मैं लगाने वाला हूँ ये वाइजर, DB वाइजर, जो कि आप बबल वाइजर भी बोल सकते हो। सो या तो सबसे फर्स्ट ऑफ थिंग, तो CVR 150R का सबसे पहले तो पार्ट्स मिलते नहीं है, मॉडिफिकेशन ज़्यादा मिलते नहीं है, बहुत ढूंढना पड़ता है या पार्ट्स बहुत कम रहते, रेयर रहते। होंडा यार, होंडा में ऐसी होता है, इंडिया में सर्विस ज़्यादा अच्छी नहीं है और ये तो आफ्टर मार्केट है, सो ये मिलना भी मुश्किल है और गाड़ी भी पुरानी है। सो या अभी जिसको भी ये बाय करना है, इनके दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाके वहाँ से बाय कर सकते हो। मुझे पता है कि मेरे बाल बहुत ज़्यादा गंदे लग रहे हैं, मैंने हेलमेट पहना था। सो अभी टाइम वेस्ट नहीं करते, अभी चलते। वेल, शक्ल किसको देखना है, हमें तो ब्लॉग से कंटेंट से मतलब है। सो लेट्स गो स्ट्रेट टू द वीडियो, अभी चलते हैं एंड देखते आगे क्या होता है क्या नहीं, जाके इंस्टॉल करते हैं। सो लेट्स गो। ओके तो बेसिकली हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं शॉप पे। CVR का पंगा रहता है, यहाँ पर R15 RS में यहाँ पर दो स्क्रू मिलते हैं, यहाँ पर उससे इजीली वाइजर निकल जाता है, बट यहाँ पर CVR में कैसा सीन है, आपको पूरा ये खोलना पड़ेगा फेयरिंग एलन की से, पूरा खोलना पड़ेगा। तो मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊँगा कैसा लगाने का वाइजर कैसा नहीं, एंड उसके बाद मैं आपको फाइनल लुक बताऊँगा। सो या लगेले गाड़ी के और क्या, ये सब बेकार है। विंडशील्ड ये हो गया सब बेकार है। हट रे, ये है असली विंडशील्ड। ये सब बेकार है, ये सब क्या है, ये बबल विबल ये सब क्या है, ये है असली रस्सी बिस्सी बांध के। वाइजर लगने में बहुत प्रॉब्लम जा रही थी, बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, थोड़ा उसको कट बिट किया, थोड़ा ऊपर नीचे किया, तब जाके भी लग रहा है प्रॉपर फिटिंग है था। सो अभी प्रॉपर पूरा लगाने का मैं आपको दिखाता हूँ। ओके सो बेसिकली फाइनली वाइजर लग गया है, एज यू कैन सी। लिटरली मैं सुबह निकला था 12 बजे एंड अभी लिटरली 4 बज रहा है। सो मुझे तीन घंटा लगा वाइजर बिठाने में। वाइजर बिठाने में बहुत ज़्यादा क्या बोलूँ, एकदम मतलब एल लग गए टोटली। वाइजर एक्चुअली उसको बिठ रहा नहीं था, लग रहा नहीं था। एंड सबसे मेन बात, दूसरी गाड़ी में कैसा रहता, RS में हो गया, R15 में हो गया, KTM में हो गया, क्या होता है सिर्फ ये मिरर निकालने का, यहाँ पर दो नट रहता, वो निकालो एलन की से, दैट्स इट, तुम्हारा वाइजर हाथ में आ गया। लेकिन इसका ऐसा नहीं है, इसमें लिटरली पूरा फेयरिंग निकालना पड़ा बाहर, पूरा A to Z, पूरा ये जो है ना यहाँ से दिस नट, इसको पूरा निकालना पड़ा बाहर। पूरा निकालने के बाद फिर पुराना वाइजर निकाल के नया वाइजर लगा, और ये प्रॉपर लगा भी नहीं है। एज यू कैन सी देखो, यहाँ पर गैप आ गया है, थोड़ा बहुत गैप आया है। एंड स्पीडोमीटर के ऊपर भी यहाँ पर देखो, एज यू कैन सी यहाँ पर गैप आया, देखो गैप है। सो मैं वही बोल रहा था कि CVR के पार्ट्स, स्पेयर पार्ट्स जो बाहर के एक्सटर्नल पार्ट्स है, तो वो मिलना भी बहुत मुश्किल है, मिलते हैं तो फिटिंग प्रॉपर होता नहीं है। मेरे को वाइजर में ऊपर से करना पड़ा, थोड़ा बहुत स्क्रैचिंग करना पड़ा, थोड़ा कटिंग कुटिंग करना पड़ा, तब जाके लगा। और मैकेनिक वाले भैया बहुत अच्छे थे, उन्होंने बिल्कुल भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं किया, लेकिन उन्होंने पूरा प्रॉपर कट कुट करके पूरा प्रॉपर A to Z निकाल के वाइजर लगा के दिया। सो या इतना था इस वीडियो में। और अगर मैं आप कॉस्टिंग बताऊँ, वाइजर कितने का है, प्राइस बताऊँ, तो वाइजर है लिटरली 450 का वाइजर है, 500 में हो गया मेरे को डिलीवरी पकड़ के, 500 का वाइजर है। एंड ये फिटिंग का मेरे को 300 दिया, तो टोटल 800 में मेरे को गया वाइजर बिठाने में, प्लस प्रॉपर फिट भी नहीं हुआ मेरे को, भी यहाँ पर वो ब्लैक टेप लगाना पड़ेगा। सो या अगर आपको जिसको भी ये वाइजर लेना है, देखो भाई अपने हिसाब से लो, ऐसा कुछ प्रॉपर फिट नहीं हो रहा है, बट लुक तो एक नंबर आ रहा है गाड़ी का, एक नंबर लुक आ रहा है।
बट रही बात फिटिंग की, फिटिंग प्रॉपर नहीं हुआ है। सो या इतना ही था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। साथ ही साथ उस बेल आइकन को दबा दो। एंड यार जिससे भी तुमने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, लिंक रहेगा डिस्क्रिप्शन में और नाम इधर की तो आ रहा रहेगा, जाके मुझे फॉलो करो। एंड विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड तब तक के लिए पीस आउट।